हेलो एवरीवन, क्लास प्लस वन सब्जेक्ट फिजिक्स। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है बी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करेंगे बी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर को आगे चल के डिस्कशन करेंगे भी दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी गिवन है, डायरेक्शन भी गिवन है एंड दोनों वेक्टर एक ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनको आपने टेकन करना है इन सेम इन ऑर्डर। देन रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। एंड जो रिजल्टेंट है उसको टेकन करना आपने अपोजिट ऑर्डर में और जो रिजल्टेंट है वो उसे ट्रायंगल के थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा एंड रिजल्टेंट का आपके पास डायरेक्शन भी है एंड मैग्नीट्यूड भी है। नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर कर लेते हैं भी आपके पास टू वेक्टर है, दिस इज आपके पास ए वेक्टर, दिस इज आपके पास बी वेक्टर। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी गिवन है एंड डायरेक्शन भी गिवन है। इन दोनों वेक्टर को इस वे के साथ आपने लगाना है भी ताकि जो दोनों वेक्टर एक ही ट्रायंगल के टू साइड को रिप्रेजेंट करे इन सेम इन ऑर्डर। तो कंसीडर वगैरह कर लेते भी आपके पास ए वेक्टर को जहां से स्टार्ट किया जहां तक चला गया और दिस इज ए वेक्टर और जो सेकंड वेक्टर होगा सेम इन ऑर्डर में लगाना है फर्स्ट के, तो मतलब जे जहां से लेके जहां तक और जे मतलब जहां से जे फिनिश हुआ ना जहां से अपने वी वेक्टर को स्टार्ट कर लेना है। तो जे वाला क्या बन जाएगा आपके पास सेम इन ऑर्डर बन जाएगा। अगर आप मान लो भी जो फर्स्ट वाला वेक्टर है जहां से लेके जहां तक है और जो बी वाला वेक्टर जहां से लेके जहां तक लेके आओगे एरो अगर जहां पर अपोजिट कर दोगे ना तो ए एंड बी आपके पास अपोजिट इन ऑर्डर हो जाएगा। तो मतलब ए एंड बी सेम इन ऑर्डर है। तो जो दोनों वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट वगैरह कर रहे हैं एंड जो थर्ड रिजल्टेंट होगा मतलब जे वाला जो थर्ड रिजल्टेंट होगा उसको आपने लगाना है इन अपोजिट ऑर्डर। सेम ऑर्डर में अगर लगाना हो तो कैसे लगाते हैं, जो ए आपके पास जहां से लेके जहां तक ए है और जहां से लेके जहां तक बी वेक्टर, अगर रिजल्टेंट सेम इन ऑर्डर में होता तो जहां से स्टार्ट होता जहां तक जाता तो आर जो होता आपके पास सेम इन ऑर्डर में लगता। बट आर को आपने क्या लगाना है, अपोजिट ऑर्डर में लगाना है इसको, जहां से स्टार्ट करेंगे एंड जे वाला जहां तक जाएगा एंड रिप्रेजेंट करेगा जे वाला आर। आर इज नोन एज रिजल्टेंट, इसका भी मैग्नीट्यूड है एंड इसका भी डायरेक्शन है एंड जे वाला ट्रायंगल के थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ए एंड बी सेम इन ऑर्डर, आर इन अपोजिट ऑर्डर। तो नेक्स्ट फाइंड करना है अपने मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर आर। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए एजम्पशन वगैरह कर लेते जहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। मान लो भी जे वाला किसके ऊपर मतलब करना है, इस लाइन के ऊपर करना है और जे वाला जो एंगल वगैरह बनेगा ना जे बनेगा आपके पास 90 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट वगैरह कंसीडर कर लेते, दिस इज आपके पास ओ पॉइंट, दिस इज पी पॉइंट, दिस इज आपके पास क्यू पॉइंट, दिस इज आपके पास एन पॉइंट। तो जे वाला एंगल वगैरह आपके पास बनेगा थीटा। तो जहां पर आपके पास जो ओ पी है ओ पी वैक्टर वो रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर को जहां से लेके जहां तक एंड पी क्यू वैक्टर रिप्रेजेंट करेगा वी वेक्टर को एंड ओ क्यू वैक्टर जे रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट को। तो नेक्स्ट आपने आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जहाँ पर अगर ध्यान के साथ देखें तो जहाँ पर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह बन रही है तो वो कौन से आपके पास है, अगर कंसीडर करें भी इन राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास ओ एन क्यू, तो जे वाले ओ एन क्यू, तो जे वाले एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जहाँ इसके अकॉर्डिंग फार्मूला क्या बनेगा आपके पास, अगर पाइथागोरस थ्योरम वगैरह अप्लाई करें तो क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस मतलब बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या होगा, इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल के बीच ओ क्यू, तो लिखेंगे जहां पर भी ओ क्यू का स्क्वायर, वेक्टर वगैरह यूज नहीं करेंगे इसको मैग्नीट्यूड में निकाल रहे हैं। तो आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी, आपके पास जहां पर एन क्यू, तो लिखेंगे एन क्यू का स्क्वेयर प्लस बेस कितना हो गया आपके पास ओ एन का स्क्वेयर वगैरह।
तो नेक्स्ट जो आपके पास ओ एन है जे किसका सम अप होगा भी, ओ एन इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी एन का, तो जहाँ पर लिख सकते हैं भी ओ क्यू का स्क्वेयर इज इक्वल टू एन क्यू का स्क्वेयर प्लस, जहाँ पर ओ एन की जगह पर लिखेंगे ओ पी प्लस पी एन का स्क्वेयर। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आपने क्या करना है, ओ क्यू की एन क्यू की ओ पी की पी एन की सभी की वैल्यूज को फाइंड आउट करके इन दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बीच सभी की वैल्यूज पुट करनी है। नेक्स्ट जहां पर एक ट्रायंगल वगैरह चूज कर लेते हैं भी इन क्यू एन पी, कौन सी वो वाली आपके पास क्यू एन पी, तो जहां पर वन टाइम कॉस थीटा की वैल्यू निकालने हैं तो कितना बने, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइड हाइपोटेनियस। अगर इस ट्रायंगल को देखेंगे जहां पर जे वाली, तो बेस आपके पास कौन सा आएगा, मतलब एंगल के सामने वाला जे वाला परपेंडिकुलर, जे वाला हाइपोटेनियस, जे वाला बन जाएगा बेस वगैरह। तो जहां से आपके पास बेस कितना आएगा पी एन, हाइपोटेनियस आपके पास आएगा पी क्यू डिवाइड पी क्यू, तो पी एन की तो वैल्यूज नहीं है आपके पास, और पी क्यू रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर वी को, तो मैग्नीट्यूड में लिखना है इसको बी लिख लेंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू पी एन डिवाइड बाय बी, तो जहां से आपके पास पी एन का रिजल्ट वगैरह आ जाएगा बी कॉस थीटा। सेम एज इट इज आपने साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनियस सेम इन राइट एंगल ट्रायंगल में, तो परपेंडिकुलर जहाँ से कितना आएगा क्यू एन, जहाँ इसको लिख सकते हैं एन क्यू वगैरह, एन क्यू डिवाइड हाइपोटेनियस आपके पास कितना आएगा पी क्यू, और एन क्यू की वैल्यू तो नहीं गिवन है, पी क्यू रिप्रेजेंट करेगा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, तो जहाँ से आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू एन क्यू डिवाइड बी, एंड एन क्यू का रिजल्ट आपके पास आएगा बी साइन थीटा। तो फ्रॉम दिस डायग्राम से आप ओ क्यू की वैल्यू पुट कर सकते हैं आर। तो अब आपने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ पी एन एन क्यू ओ क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ओ क्यू की जगह पर लिखेंगे आर, जहां पर उसका स्क्वेयर है एन क्यू, एन क्यू को रिप्रेजेंट करेगा जे वाला बी साइन थीटा, और उसका क्या करना है स्क्वेयर प्लस, और उसके बाद ओ पी, ओ पी की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है अभी, ओ पी को रिप्रेजेंट करेगा आपके पास ए प्लस पी एन जो आपने अभी भी निकाला जी वाला बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, और इसका क्या करना स्केयर करना, तो आपके पास जी वाला बनेगा बी का स्क्वेयर साइन का स्क्वेयर थीटा। माइंड में रखा अगर स्केयर वगैरह करना है ना, तो मतलब एंगल का कभी मत स्केयर करना, मतलब साइन के ऊपर स्केयर वगैरह पाना है, तो जहां पर ए प्लस बी का स्क्वेयर ओपन करेंगे तो कितना बनेगा ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर कॉस का स्क्वेयर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो जहां से आपके पास क्या है बी का स्क्वेयर, जहां पर है बी का स्क्वेयर जहां पर है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर कॉमन आएगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा और प्लस टू ए बी कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यूज आपके पास होती है वन। तो आपके पास लिखेंगे भी आर का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस टू ए बी इंटू कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर फाइंड आउट करना है, तो आर का रिजल्ट क्या आएगा, जहां पर करेंगे स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या बनेगा आपके पास राइट हैंड साइड स्क्वेयर रूट ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो इन दिस वे आप मैग्नीट्यूड ऑफ आर की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन ऑफ आर कैसे कैलकुलेट करना है, तो कंसीडर कर लेते हैं भी इन राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास ओ एन क्यू, तो जी वाली है ओ एन क्यू, तो जहां पर निकालेंगे भी टैन बीटा, तो जो जे वाला आपके पास आर रिजल्टेंट है जे ए के साथ एंगल वगैरह बनाएगा बीटा, तो जो टैन बीटा होगा इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल के बीच क्या बनेगा, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बेस वगैरह, तो परपेंडिकुलर जहां पर कितना बन जाएगा आपके पास क्यू एन जैन क्यू डिवाइड बेस वगैरह कितना बनेगा ओ एन, लिखेंगे ओ एन, नेक्स्ट लिखेंगे क्यू एन डिवाइड
ओ एन किसका सम अप होगा, ओ पी प्लस पी एन का, लिखेंगे ओ पी प्लस पी एन। तो आपके पास टेन बीटा इज इक्वल टू क्यू एन की वैल्यू आपने निकाली थी, जब एन क्यू की वैल्यू आपने निकाली थी, बी साइन थीटा, लिखेंगे जहां पर बी साइन थीटा डिवाइड ओ पी को रिप्रेजेंट करेगा ए, प्लस पी एन को रिप्रेजेंट करेगा आपके पास आपने निकाली थी वैल्यू बी कॉस थीटा, लिखेंगे बी कॉस थीटा। तो इन दिस वे आप डायरेक्शन ऑफ आर कैलकुलेट कर सकते हो।